अरे आओ, क्या हुआ? आओ जल्दी आओ। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। तो भूख नहीं लग रही है? जान जा रही है, चलो यार। हाँ तो क्या खाएंगे? हाँ चिकन मिर्जापुरी। क्या खाया जाए यार। हेलो। हाँ अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा शिव। शिव यहाँ? अभी मैंने, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज चलिए यहाँ से, प्लीज। शिव को फोन लगाया, पूछो उठाएगा कि नहीं। ये यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी लग रही तुम पे शिव। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब नहीं गौरी, ऐसा कल से तुम क्या कर रहे हो ना, मुझे अब समझ में आ रहा है। अभी मनु ने मुझे समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। पर अब समझ गई, तुम चाहे जितना मर्जी हम दोनों के बीच में ट्रस्ट तोड़ने की कोशिश करो, अब ये कॉम्पिटिशन मैं और अभिमन्यु ही जीतेंगे। चले अभिमन्यु, हमें रिहर्सल पर जाना है। चलो। झूठ कहे तो कहो तुलिका, वैलेंटाइन दिवस के लिए तूने अभी से तैयार होना शुरू कर दिया? वैलेंटाइन्स डे बेबी, और वैलेंटाइन्स डे में अभी पूरे 3 दिन बाकी है, और अभी से मैं तैयार हो जाऊंगी तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। आप बिना कुछ भी बोलती रहती हैं। अच्छा, केवल बाल ही खराब होंगे, बाकी सब ठीक रहेगा? वैसे तुलिका, कहाँ पर चली तेरी सवारी? मैं ना शिव से मिलने जा रही हूँ, आज प्रॉमिस डे। प्रॉमिस डे, ये क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? तुलिका मुझे भी नहीं पता। अरे वैलेंटाइन वीक के डेज के बारे में तुम्हें नहीं पता? और तुम्हें ये नहीं पता कि दुर्योधन महाभारत में थे या रामायण में? तो बताओ इससे क्या प्रूफ होता है, बताओ। बेबी मुझे ये महाभारत और रामायण के नाम लेके डराया मत करो। अच्छा सुनो, पहले क्या होता था कि सिर्फ वैलेंटाइन डे होता था, तो सब कुछ एक ही दिन में खत्म हो जाता था, लोग पूरे साल वेट करते रहते थे। फिर कुछ स्मार्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना पूरा का पूरा वीक ही सेलिब्रेट किया जाए। तो इसीलिए आज प्रॉमिस डे है, कल हग डे होगा। पर हग डे? छी छी तुलिका, तू भी ना। छी छी, अरे ये वाला हग नहीं, ये वाला हग। हाँ, और फिर उसके बाद परसों किस डे होगा, और फिर उसके बाद वैलेंटाइन डे। पर तुलिका, ये प्रॉमिस डे के दिन क्या होता है? प्रॉमिस डे के दिन आपका प्यार आपके साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस करता है, और अगर उसने प्रॉमिस तोड़ा तो सेंट वैलेंटाइन उसे सबक सिखाते हैं।
फिर तो ये बिलान टन बाबा की ना पूजा करनी चाहिए। तुलिका, तेरे पास उनके कोई फोटो शोटो है क्या? और वो कौन सा दिन मनाया जाता है? झूठ कहे तो कहो, हम तो ना उनका व्रत रखेंगे। भाभी, सेंट वैलेंटाइन रोम के एक संत थे जो लोगों को उनके प्यार से मिलाने के लिए जाने जाते थे, इसलिए वैलेंटाइन डे इनके नाम पर प्यार का दिन मनाया जाता है और इनकी पूजा नहीं होती। हाँ, सही कह रही है मिस गूगल, उनकी पूजा नहीं होती लेकिन आज प्रॉमिस जरूर होता है और शिव ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कॉफी शॉप पे जरूर मिलेगा और वहां मैं उससे प्रॉमिस लूंगी कि जब भी मैं उसे मिलने बुलाऊं तो वो मुझसे मिलने से मना ना करे। और हम ना तुझे पिरामिस करते हैं कि तेरे पिरामिस पूरी करने में ना हम तेरी मदद करेंगे ताकि तेरा मुझसे किया गया वादा ना मुझे मेरे नए घर की चाबी जल्दी मिले। बेबी, तुम्हें किससे क्या प्रॉमिस करना है? अभिमन्यु से? हाँ तलिका, मुझे अभिमन्यु को ये प्रॉमिस करना है कि ये कॉम्पिटिशन हम ही जीतेंगे और मैं ये प्रॉमिस बिल्कुल टूटने नहीं दूंगी। अभी तक नहीं आया। अगर आज नहीं आया ना तो जिसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो मैं भूल जाऊंगी कि किसी को मारना पाप होता है। खून कर दूंगी मैं उसका। आज तो शिव की बैंड बजाने से बचा ली मैंने। मैं झूठ बोलकर ही सही बुला तो लिया। दो प्यार करने वाले लोगों को मिलाने से पुण्य मिलता है। क्या पता कल मेरे नाम का भी एक डे हो, संत डे। शिव कहां मर गया? अभी तक आया क्यों नहीं? शिव, शिव, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। हाँ, मैंने ही तो बुलाया था तुम्हें, तो मैं ही तो होंगी ना यहाँ। हाँ, तूने ही तो बुलाया है और कौन हो सकता है तेरे अलावा, है ना? शिव, मैं इतनी खुश हूँ कि तुम आज के दिन आए। तुमने मेरा प्रॉमिस रखा। आज आज क्या है? प्रॉमिस डे है, वैलेंटाइन्स वीक है। तुम्हें कुछ भी नहीं याद रहता शिव। हाँ नहीं, हाँ याद आया, आया याद आया मुझे, आया याद। देखा तो लिखा, मैंने कहा था ना शिव जरूर आएगा। अच्छा, तूने बताया था तुलिका को कि मैं आऊंगा। शिव, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। साले कुत्ते, तूने कहा था कि लोग तुझे पीट रहे हैं, तेरे कपड़े फाड़ रहे हैं, अब मैं तुझे बताऊंगा कपड़े कैसे फटते हैं। अबे साले, अगर झूठ बोल के नहीं बुलाता ना तुमको तो कपड़े छोड़ तेरे बाल भी नहीं छोड़ती है। तुम लोग ये क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? चलो मुझे कॉफी पीनी है। हाँ शिव, चल तुलिका को कॉफी तो पिला। मैं पिलाता पर मुझे ना कहीं जाना है। अरे तुम अभी तो आए हो, अब तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ देख, जैसे मैं यहाँ पर आया, तेरे से प्रॉमिस किया था वो पूरा करना था, तो मैंने खुद से भी कोई प्रॉमिस किया रिहर्सल हॉल में, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन कॉफी, संत कॉफी पिएगा ना तेरे साथ? मैं? हाँ वैसे भी देख, तुझे रिहर्सल तो करनी नहीं है, तेरी पार्टनर का तो पैर टूट गया है ना, तो तू कॉफी पी ले साथ में। चल मैं चलता हूँ, बाय। अच्छा सुनो, कल हग डे, भूलना नहीं, ओके? मैं कैसे भूल सकता हूँ, और तेरा दोस्त मुझे भूलने भी नहीं देगा ना, है ना? बाय बाय बाय। तुलिका चले कॉफी।